हे गाइस, मैं हूँ गोस्ट, आप लोगों का दोस्त, फिर से स्वागत है अनदर सिलसिले में। तो गाइस, आप ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ बेस बनाए, एक अच्छा खासा लोकेशन ढूंढ ही रहे थे। तो गाइस, आप ने सोचा कि यार जिंदगी में कभी भी आप ने रेडउड में बेस नहीं बनाया, तो इस बार सोचा कि इस सीरीज़ का नाम रखते हैं रेडउड सर्वाइवल सीरीज और बेस बनाते रेडउड के अंदर है। तो आप ने सिलेक्ट किया कि रेडउड के बीचों बीच बेस बनाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा मेटल्स है, मतलब पास में कार्नो भी है, उसको गोली मारो, उसके ऊपर मत देखो क्योंकि यार वो पेलने वाला चीज़ है, वो इतना गुस्सा करता कि पता नहीं। तो यहाँ पे यार बहुत सारा मेटल्स है, तो इसीलिए मैं सोचा कि इसके बगल में बेस बना लो, क्योंकि यार गेम पे आगे जाके मेटल्स बहुत काम पे आता है और बाकी चीज़ इतना अपन ले आएंगे, मगर मेटल यार बहुत रेयर, मतलब डेंजरस चीज़ होता है। तुम सोच सकते हो यार फार्म करने में भी यार बहुत वेट होता है। तो गाइस, आप उन फाइनली यहाँ पे बहुत सारा मेटल देख के और ये प्लेस अच्छा खासा देख के और यहाँ पे बहुत सारा फेयर देख के, तो आप उन यहाँ पे आप उनका एकदम बोल सकते हो कि आप उन यहाँ पे सेटअप कर रहे थे। तो आप उन ऑफलाइन में थोड़ा कुछ किया, मगर यार रैक्स आ गया था, फिर मैं रैक्स को लेके भाग गया था बाहर क्योंकि वो टूर ना दे। तो यहाँ पे यार मैं मेरा एक बेड भी छुपा के रखा हूँ इस फाउंडेशन के अंदर। तो पहले मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पे मैं और एक सिलेक्ट करने का यही है कि यहाँ पे जो वुड्स होता है वो उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को ट्री से वुड मिलता है, थेस मिलता है। तो यार मैं सोचा यहाँ पे चलते हैं बनाते हैं बेस, क्योंकि यार नहीं तो यार जो नॉर्मल्स है वहाँ पे यार वुड तोड़ते तोड़ते ट्री तोड़ते तोड़ते इतना वुड मिलता नहीं, मगर यहाँ पे यार बहुत सारे थेस वुड्स मिल जा मतलब मिल जाता है और आसानी से अपने अच्छा खासा बेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे पास में मेटल है, मेटल का स्टोन है, साइड में रिवर है, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है और यहाँ पे हार डाइनो भी आप उनको मिल ही रहा है। तो मैं सोचा यहाँ पे ये बेस बनाते हैं, तो यार थे थोड़ा फार्म कर लेते हैं। तो मैं सोचा कि यार ये परफेक्ट प्लेस है कि बेस बनाते, मगर यार रेड वुड है तो सोच सकते हो कितने सारे डायनासोर्स भी होगा यार, थोड़ा मार कुटा नहीं होगा तो यार मज़ा नहीं आएगा। तो शुरू किया जाएगा इस, तो यार पहले फुर्सत में आप उन तो यार एक रिपेनिंग पोस्ट बनाते हैं, पहले मोटर पिस्टल को बना के रखते हैं क्योंकि यार बहुत कम पे आने वाला है ये भी। तो यार एक रिपेनिंग पोस्ट बनाते हैं, आप उन सोच रहे हैं रिपेनिंग पोस्ट को थोड़ा उस पहाड़ी जो है ना वहाँ पे सेटअप कर देंगे और सारा वहाँ का जो मेटल्स है वो सारा कलेक्ट करके वहाँ पे ये दे देंगे, ठीक है। तो यार चलो गाइस, और क्या, तो इसको बनने दो, तो बन गया। चलो यार अपन एक फाउंडेशन और ये बना लिया और वहाँ पे जाके वुड्स भी है, तो चलो वहाँ पे जाके ये सेटअप कर देते हैं। और फिर और क्या, यहाँ पे आप लोगों को दिखाना भूल गया, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा रिपेनिंग पुस लगा रखा है, यहाँ पे तो यार पिघल भी गया। तो यहाँ पे बहुत सारा मेटल्स हो रहा है क्योंकि आप उनको बाद में जाके ये मेटल्स काम आने वाला है, अब तो कुछ एपिसोड्स कुछ दिनों तक काम नहीं आने वाला इतने सारा मेटल्स, बट नेक्स्ट टाइम आप उनको यार बहुत काम पे आने वाला है क्योंकि यार बहुत ज़रूरत पड़ेगा बहुत। तो इसलिए मैंने सोचा यार नहीं, आज पहले से फार्म कर लेते हैं और यहाँ से क्या होता है एक्सपी भी गेन होता है ज़्यादा हम लोगों को जितना अपन तोड़ते हैं क्राफ्टिंग करते हैं। इसलिए तो गाइस स्कॉर्पियन 30 लेवल यार मारो यार। तो गाइस आज अपन वो गलती नहीं करेंगे, आज अपन इसको फार्म करेंगे। ओ भाई डंक मारा किसी ने, ये तो इसने तो नहीं मारा, अच्छा दूसरा आ गया था, ये ले बेटे ओई ले। तो गाइस अरे मर जा, अपन आज हैसेट से फार्म करेंगे, कुछ भी हो जाए ये ले। हाँ गाइस खत्म, तो चलो यार फार्म करते अब। अरे भाई हाँ तो अच्छा अच्छा इसका बॉक्स आइटम कैसे, यार कुछ भी ले लेंगे जो मिलता है सब कुछ यार, अब आप उनको सब कुछ चाहिए, जब आप अमीर हो जाएंगे तब ये सारा चीज़ नहीं चाहिए, अब तो यार आप अभी भी पुअर्स में बस है, अभी भी आप उनका सारा कुछ सेटअप्स नहीं हुआ ठीक ठाक से। तो यार किधर बनाते यार समझ कुछ नहीं पा रहा, किधर लगाते वो रिपेयरिंग पोस्ट। तो गाइस यार सुबह हो गया, फिर से आ चुके आप इधर और चलो इधर लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यार अरे कारण है, नहीं उधर नहीं जाने का, वो कारण पेल लेगा यार, मुझे घबराहट हो रहा है क्योंकि यार कारण है। तो यार ये इसको इधर सेटअप कर देते हैं यार रिफिनिंग फोर्स, इसमें आप मेटल का रॉक से मेटल लेके आप मेटल इनगोट बनाएंगे और क्या। तो हाँ सेटअप हो गया, थोड़ा बेरी खा लेते हैं, भूख भी लग रहा है यार, कोने पे आ रहा है, इतना तकलीफ लौंडे को मत दो यार। तो यार गाइस आप लोगों के लिए एक ही बात, आप हमारा कोई वर्ड्स ऐसा लगा कि ज़्यादा मतलब क्या बोलो यार बुरा है, आप लोग कमेंट कर देना, तो मुझे पता नहीं कौन सा वर्ड्स हो सकता है, तो आई होप बैड वर्ड मत बोलो, ऐसा बोलते हो मगर मुझे पता नहीं कौन सा वर्ड बैड होता है।
तो बोल देना कि ये बैड वर्ड है, ठीक है। तो गाइस छोड़ो इन तमाम बातों को, आप उनको आप उनका यार आगे सिलसिले और भी बढ़ाना है। आप उन यहाँ पे मेटल इनगॉट को, मेटल से मेटल इनगॉट थोड़ा बना लेते हैं, फिर अपन जाएंगे बेस का मटेरियल्स कलेक्ट करने। वो क्या हो, स्टोन वुड्स फाइबर ये सारा चीज़ कलेक्ट करके फिर मिल। और क्या यार, भूख भी लग गया, अपन सीधा रॉ मीट खा लेंगे। मुझे पता है आप हम लोगों को थोड़ा हेल्थ का डिक्रीज होगा, तो इससे क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। ऐसे भी अपन मरने वाले हैं, अपन का हेल्थ कितना है। तो यार मेरे को एक चीज़ है कि मैं सीधा मार ही जाता हूँ, पता है यार। कौन जाके फिर से यार खाना पी के एकदम यार पानी पी के आएगा, इससे अच्छा यार किसी डायनो के हाथ मर जाऊँ, मैं सीधी सी बोल रहा हूँ। तो यार चलो, तो चलो निकलते हैं, स्वाट ले लेते हैं। तो गाइस इस कारनो को अपन मार पाएंगे क्या? तो व्हाट, 255 लेवल, ओए यार शिट गाइस, फाइनली ये कारनो और सवाटूथ ने मिलकर अपन को मार दिया। और सबसे गंदा चीज़ है कि यार ये अपन का बेस के एकदम बगल में है, मतलब बेस के पास ही। अब कुछ करना पड़ेगा गाइस, अपन को इन लोगों को, मैं रेक्स को जैसे भागाया था, इसको इन लोगों को भी भागा क्या करता हूँ। चलो ट्रेडन आ जा आ जा, रेडवुड सर्वाइवल इज टफ, मुझे पता है, क्योंकि यार टेरर बाट आ जाता है। कितने सारे टेरर बाट मारा पता नहीं यार, यहाँ पे जो मैं फाउंडेशन लगाया ना, बहुत रिक्स ही लगाया मैं बोला हूँ। चलो इसको और इसको दूर ले जाके छोड़ते, आजा आजा मुझे मार ले लॉन्डो, आ जाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों, आ जाओ मारो मेरे को, किधर हो तुम, आ जाओ यार इधर क्यों। अरे यार नहीं 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 गाइस, इन लोगों को मैं दूर ले जाना चाहता हूँ। तो आ जा रे, मुझे सर्वाइव करना है उधर, मेरे को बेस बनाना है। तो गाइस अपन उन दोनों को उधर छोड़ के आ गया, बहुत दूर पता नहीं। तो यार चलो यार बेस का काम करते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, अरे लॉन्डे फिर से आ रहा है। अरे मैं उसको दूर भागा क्या यार, वो आ रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि आज मुझे मरना ही है। मैं समझ गया वो मरना है, मैं समझ गया यार, मुझे जितना टाइम लगे लगने तो मैं उसको आज खेल खत्म करूँगा। 255 लेवल, कोई नहीं यार, 16 मार मार के उसको मार देंगे। तो जो लोग अभी तक वो मेरा सिस्पिन आई मीन पेट्राडन टेमिंग टीमी टेमिंग नहीं दिखा, देख लेना इस वीडियो के बाद प्लीज़, क्योंकि यार हाँ चलो। और सिस्पिन सिस्पिन यस, तो आप लोग जब देखोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं जो वीडियो बना रहा हूँ हाँ सक्सेस है। आप लोग देखते हो कोई, ये लो ये लो, 10 सेकेंड भी बहुत है ठीक है, देखा ना 10 सेकेंड भी तो देखा ना, इसमें मैं खुश हूँ। ये ले हो गया। तो गाइस फाइनली आपने खतरनाक वाला कारनो को मार दिया, इसने मेरे को मारा था और आपने भी इसको मार ही दिया। अब जाके अपन बदला ले चुके बदला, मगर यार रेड उल्टे संभल के रहना होगा, पहले इससे क्या मिलते हैं देखते हैं। यार कुछ नहीं इतना खास, मगर यार कुछ एरो मिला, स्टोन एरो मिला और नॉर्मल ट्रैंक एरो मिला। तो चलो यार अपन पहले पहन लेते अपन का ये चीजेस। हाँ तो यार चलो फिर, और क्या ढूंढते हैं काटते हैं तोड़ते हैं। तो चलो पहले आप उनका बॉडी जो है उसको हार्वेस्ट कर। अरे भाई यार, अरे टेरर बाट मेरे पेट्राडन का परेशान मत कर। अरे पेट्राडन नहीं, ऐसा क्यों करने का तेरे को यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ यार, कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ बेस बनाने का, मगर कोई मुझे बनाने ही नहीं देता, कभी वो आ जाता है कभी वो आ जाता है भाई। मगर मस्त होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ रेड उड सर्वाइवल मस्त होने वाला है। हर तरह खतरा, खतरों से बीस खेलेंगे और भी ब्रूटाल है, ब्रूटाल चल रहा है। सोचो कैसा गंदा फेलेगा, ऐसे भी फेल चुका है कारनो। यार मेरे बॉडी पे शायद स्टोन था और कुछ नहीं इतना खास था, जितने जो भी था मेरा बॉडी है, मैं किसी को क्यों दूँ, मैं मेरा बॉडी किसी को क्यों दूँ, सारा सामान मेरे को है, मेरा है, मेरे को ही चाहिए। चलो यार इस बॉक्स में रख देते हैं, बेकार का फालतू का चीज़ है सब कुछ, बेकार का फालतू का। तो गाइस आप चलो मटेरियल्स कलेक्ट करके फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। We'll be right back.
2 hours later. तो गाइस अपन ने बहुत सारा मटेरियल्स कलेक्ट करके फिर एकदम सब कुछ तैयार कर चुके हैं, अब जस्ट बेस को बनाना है। तो चलो शुरू किया जाए बेस बनाना। पहले तो यार फाउंडेशन लगाए थे, थोड़ा पेंस फाउंडेशन ऐसे फाउंडेशन था, अपन ने लगा दिया, चिपका दिया। और अब उनका बेड भी इधर छुपा के रखा हूँ क्योंकि यार मेरे बेड्स एक बार टेरर वाट ने तोड़ दिया, फिर यार गुस्सा आया, फिर सोचा नहीं अंदर छुपा दूँ। तो यार पहले तो यहाँ पे कुछ फिलर 4 लगाते हैं शायद, चलो 4 से, हाँ या फिर 2 लगाया, फिर 3 फिर 4, हाँ काउंट डाउन ठीक है। तो चलो यार लगाते हैं, एकदम परफेक्ट, आई होप चलता है। कोई ना मत आना प्लीज़ यार, मेरे को बेस बनाना तो फिर आना, ऐसे भी यार बहुत लड़ाई हो गया फिर मेरे ऊपर, फिर से गाइस टेरर बाट का हमला हो गया था। तो यार चलो फिर और एक बार मैं मरा था वहाँ पे क्या कर सकते हैं यार, मरना पड़ता है हम लोगों का, और क्या कर सकते हैं। अभी भी ये हो गया, यहाँ पे लगाते रुको, ये 2, अरे बाहर नहीं, तुमको किसने लगने के लिए बोला, मैंने कभी तुमको इनविटेशन दिया क्या। तो हो गया, तो अच्छा नहीं लग रहा, इधर भी लगाए थे, चलो या फिर 3 लगाते हैं साइड पे 3। तो अरे इसकी वजह से मुझे उस साइड में लगाना पड़ेगा अपोजिट साइड, तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं। आई होप ये लोकेशन अच्छा होगा, मुझे लगता है मैं इसमें फुल गेम मतलब फुल सीरीज कंप्लीट करने वाला हूँ। तो गाइस फिर से बोलता हूँ, इस सीरीज का नाम क्या, रेडवुड सर्वाइवल सीरीज, सर्वाइव करेंगे अपन रेडवुड में। तो गाइस यार घुमा के लगा देते हैं अपन स्टोन का वॉल्स, यार यू मतलब ऐसे लगाऊंगा सब लोग। तो गाइस पूरा पूरा गोल घुमा के लगा के फिर मिलते हैं थोड़े। तो यार गाइस अपन ने फुल कंप्लीट कर दिया लगा के, मगर यार अब लगाने के बारी है डोर्स। तो अपन सोच रहे 2 डोर्स लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे दूसरा उधर लगाएंगे, क्योंकि कभी भाग पाएंगे कभी ज़रूरत पड़े, पता नहीं ज़रूरत पड़ भी सकता है तो इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि इधर कोई था होगा तो दूसरे उधर जाएंगे और क्या। एक्चुअली अपन के पास तो नेक्स्ट शायद नेक्स्ट अपन इस बेस को बनाते हैं, हाँ। तो गाइस सोच रहे हैं नेक्स्ट में अपन बहुत सारा शूटिंग ब्लेम फार्म करेंगे, उसके लिए अपन को एक प्रोसीड्यूर कंप्लीट करना पड़ेगा जो है टेरर बैट हंटिंग, उसको कर लेंगे ठीक है। तो गाइस आप सेकंड लेयर पे अपन सोच रहे हैं उट का लगा देते, क्योंकि यार स्टोन इतना ज़्यादा था नहीं तो अपन उट का बना लिया। तो चलो बहुत खास लग रहा है, बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे उट चलता है। तो अपन यहाँ पे सारा मटेरियल्स अपने कलेक्ट करके और बना के रखा हूँ, मतलब सारा जितना हो सके, ऊँट कमी पर स्टोन कमी पर गया फिर ऊँट का बना लिया, और क्या कर सकते हैं अपन। तो चलो यार ये सीलिंग्स लगा देते, ये तो चलो चलो गाइस लगाते हैं सीलिंग्स और क्या। चलो तो फाइनली गाइस कंप्लीट होने वाला है अपन का सीलिंग्स। तो गाइस फाइनली कंप्लीट सीलिंग्स कंप्लीट, तो सो बोल सकते हो एक बेस बना लिया, मगर यार थोड़ा अच्छा क्रेजी लुक के लिए अपन ने सोचा यहाँ पे यार कॉर्नर्स वॉल से एक थोड़ा कुछ करेंगे। तो चलो यार पहले तो यार फेट्राडन को नीचे ले आते हैं, फिर चलो ऊपर चलते हैं। नहीं गाइस और एक चीज़ करने का मेरा दिल कर रहा है, मैं एक राउंड घुमा के और एक लेयर लगाना चाहता हूँ, पता नहीं यार देखने में कैसा लगेगा, मगर यार मेरे को लगता है अच्छा तो लगेगा, इतना बुरा नहीं लगेगा। तो चलो यार घुमा के साइड से और एक लगाते, अरे ये नहीं हो सकता, गलती नहीं, तो यार लगाते और क्या, लगा के फिर मिलते हैं। तो चलो गाइस फाइनली अपने लगा भी दिया, और ऑफ कॉर्नर वॉल्स लगाते हैं, और यहाँ पे लगाते जो करने का है चलो करते हैं और क्या। चलो सेटअप, आई होप ये इससे नहीं, इसको ऐसे लगाना है, हाँ हो गया, अरे नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाना, हाँ। ओ भाई कितना टाइम लग रहा है यार, मुझे बोरिंग लग रहा है, अब लिटरल बोल रहा हूँ, ये ले, हाँ हो गया, चलो ये हो गया, हाँ। मुझे कुछ पूछ रहे तुम इतने जल्दी कैसे कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता मैं इतने जल्दी किया, वीडियो में 18 मिनट में सब कुछ आ गया, इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं 18 मिनट में सब कुछ किया, मैं हो सकता है 1 डेज खेल के किया, 2 डेज खेल के किया, या 8 डेज खेल के किया, तो इसको जज मत करो ठीक है, इट्स अ गेम प्ले। तो चलो लगाते हैं क्योंकि मुझे ख्याल एक बार ने पूछा था तो इसलिए बोल रहा हूँ कैसे कर लिया। तो यार बहुत टाइम लगता है, ऐसे जैसे लगता है ऐसे नहीं कि यार इन्हें आ गया चुटकी में सब कुछ हो गया, चुटकी में नहीं बहुत टाइम लगता है, रियली बोल रहा हूँ। तो चलो यार अब
खेल खत्म। या फिर यार मेरे पास ऊट का भी कमी हो गया था, तो मैंने यार सोचा कि मैं यार थैच का ही लगा देता हूँ रूप। क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स तो इतना नहीं है, क्योंकि सारा मटेरियल्स बेस में अपन लगा दे तो यार फिर और कुछ नहीं बचेगा। तो गाइस फाइनल अपन का बेस हो चुका है कम्प्लीट। तो आप लोग शायद नोटिस नहीं कर हो गए, मैच 26 से बोल रहा था, ठीक है 26 अक्टूबर से बोल रहा था कि एक सोलो सीरीज आने वाला है, सोलो सीरीज आने वाला है, मतलब तब से मैं खेल रहा था ठीक है तब से खेल रहा था। आप लोग वीडियो में नोटिस करके देखना, मैं बोल रहा था कि सोलो सीरीज आने वाला था तो फाइनली यार आए ना, और क्या फाइनली, तब से तो यार सारा कुछ तैयारी कर रहे थे आप, लेवल टेवल का जो दिक्कत है सब कुछ। तो चलो यार तैयारी को गोली मारो। तो गाइस आप उनको यहाँ पे शॉट पर गया था सीलिंग का भी, तो सोच सकते यार बाद में बनाएंगे, उसके नहीं बनाया है, थोड़ा बहुत मटेरियल्स और भी, आई मीन मटेरियल्स बोली थे स्टोन्स वुड थैच फाइबर इसको ही बोल रहे हो, ठीक है तो है सब कुछ, अपन नेक्स्ट यूज़ करेंगे, रुको ज़रा। तो हाँ तो गाइस फाइनली आप उनका बोल सकते हो बेस कंप्लीट हो चुका है ऐसा कुछ। तो चलो यार, अरे भाई टेरर बट किधर से आ गया, मुझे पता था ये लोग आके मुझे परेशान करने वाला, वाह मर भी गया 30 लेवल से, इसलिए अब भाई गलती से 400 आ जाता तो मेरा क्या होता पिछले बार यार 400 कहा तो एक मर गया मैं मुझे पता नहीं था, मतलब मैं उठ कट रहा था तब यार मुझे मार दिया एक झुंड ने, 3 आ गया था। तो गाइस फाइनली आप उनका छोटा सा रेड उड सर्वाइवल सीरीज का तीसरे दिन ही आप उनने बेस को कर लिया कंप्लीट। तो यार यहाँ पे लगा देते सीलिंग्स, तो ये ले सीलिंग्स, ओके डन टन 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 डन 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 डन। तो गाइस फाइनली आप उनका बेस शायद कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यार आप उन्होंने आज बहुत टाइम तक खेल लिया, तो आई होप आप लोगों को ये प्यारा सा छोटा सा बेस पसंद आया होगा और सीरीज आगे बढ़ने वाले है, टेंशन मत लो। तो गाइस आज अपन ये सीरीज ये बेस के साथ ही यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगा लिया आज अपन ने इसको बनाने के लिए, क्योंकि यार बहुत यार ये हल्का फुल्का बेस बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार। एक चीज़ तो था कि इतने सारे डायनासोर्स आके परेशान कर रहा था, दूसरे चीज़ था यार इतने सारा चीज़ कलेक्ट करना था, तो यार बहुत गंदा टाइम लग गया। तो आप उनके यहाँ बुलाए थे एक स्मृति छुपा के बना, मतलब घुसा दिया अपने, बाद में कभी दिखा देंगे कैसे ऐसे घुसाते हैं, ऐसे भी देखा है था कभी। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये बेस पसंद आया होगा और आप उन लोगों को ये बेस क्या कर सकते। तो गाइस फाइनली आप उनको यार पहले इसका बॉडी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली आप उनने रेड उड सर्वाइवल सीरीज का बेस बना ही लिया, तो कैसा बनाया पता नहीं, खूबसूरत है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं बना लिए कैसी की तरीके से, क्योंकि यार मरते मरते बच रहा हूँ और बचते हंसते मर रहा हूँ यार। यहाँ पे मोटर वेस्टल को भी सेटअप कर देते हैं क्योंकि यार क्या कर सकते। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये बेस बिल्ड तो नहीं था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ का अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुश रहो मस्त रहो एंड बढ़िया रहो, बाय।